चलिए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। राजस्थान में धौलपुर जिले के रहने वाले अजय गर्ग अपने अनोखे संग्रह से देश दुनिया में बड़ी पहचान बना चुके हैं। अजय के पास महात्मा गांधी से जुड़े डाक टिकटों का दुर्लभ कलेक्शन है। यही नहीं, अलग अलग देशों की मुद्राएं और सिक्के जुटाने के शौकीन अजय ने कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। देखिए, किसी भी चीज का संग्रह या कलेक्शन करना कई लोगों का शौक होता है, लेकिन इनमें कुछ ऐसे भी हैं जो इस शौक को जैसे जुनून बना लेते हैं। ऐसे ही शख्स हैं राजस्थान के धौलपुर में रहने वाले अजय गर्ग। इनके पास कई दुर्लभ चीजों का कलेक्शन है, जिनमें 170 देशों की महात्मा गांधी पर जारी डाक टिकटें, 80 देशों के सिक्के, 35 देशों की करेंसी, यही नहीं हिंदुस्तान की आजादी से साल 2019 तक की सभी डाक टिकटें और न जाने देश विदेश की कितनी बेशकीमती चीजें उनके इस कलेक्शन का हिस्सा बने हैं। यकीनन ये वो कलेक्शन है जिनके बारे में जानकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। अजय के पास देश का पहला रंगीन सिक्का पंचतंत्र सुवेनियर भी है, जिसकी खासियत को भी उन्होंने बयां किया। यह सिक्का है जो पंचतंत्र की कहानी, जिन्हें बचपन में पढ़ते थे, मूर्ख शेर और चतुर खरगोश की कहानियां, उसके ऊपर इस सुवेनियर सिक्का निकाला गया है। यह कॉपर निकेल जिंक से बनाया है, जिसे टकसाल की भाषा में निकेल सिल्वर बोलते हैं। और यह सिक्का कभी प्रचलन में नहीं आएगा। यह सिक्का सिर्फ एक कलेक्शन की धरोहर है, जिसे के लिए निकाला गया है। इसके पीछे जो भारत सरकार टकसाल का जो लोगो है उसे दिखाया गया है। बहुत ही सुंदर सिक्का है, देश का पहला रंगीन सिक्का है। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि यह सिक्का मेरे हाथ में भी आया। और इसी के साथ मैं चाहता हूं कि कलेक्शन इसी तरह बढ़ता रहे आगे। अजय बचपन से पैरों की दिक्कत से जूझ रहे हैं, मगर ऐसी शारीरिक परेशानी शायद उनके अंदर के जज्बे और जुनून को हरा नहीं सकी। आज उनके पास देश दुनिया की इतनी रेयर चीजों के कलेक्शन हैं, जिसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन सब चीजों के साथ अजय कितना खुश हैं। उनके इस अनोखे काम को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड समेत इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने भी सराहा। इसके अलावा दुनिया के करीब 170 देशों की महात्मा गांधी जी पर जारी डाक टिकटें भी उनके इस कलेक्शन की शोभा बढ़ा रही हैं। वो कहते हैं कि महात्मा गांधी वंश वृक्ष भारत सरकार में रजिस्टर्ड है और कॉपीराइट भी उनके पास है, जिसे उन्होंने गांधी जी के परिवार को भेजा है। महात्मा गांधी दुनिया की एकमात्र ऐसी हस्ती हैं जिनके ऊपर भारत के अलावा विश्व के लगभग 170 देशों ने डाक टिकट जारी की हैं, जो कि मेरे संग्रह में मौजूद हैं। और संग्रह की बात करें तो मेरा मानना है कि हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ हॉबी होनी चाहिए। हॉबी एक नाम तो देती है, साथ ही एक सुकून भी देती है। जब हम तनाव में होते हैं, अपनी हॉबी के साथ बैठते हैं, उसे संभालते हैं, देखते हैं, तो बड़ा ही सुकून का एहसास होता है। हर व्यक्ति एक अपना शौक रखे, उसके अंदर डूबा रहे, तो मैं समझता हूँ आज जितनी भी तनावग्रस्त जो बीमारियां हो रही हैं, उससे भी बचा रहेगा। अजय कहते हैं कि उनके पास कई और ऐसी चीजें हैं जो दुनिया में किसी के पास नहीं। उनकी ख्वाहिश अब गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाने की है। अजय के पास दुर्लभ चीजों के कलेक्शन का इतना बड़ा संसार है, जिसे इस रिपोर्ट में बयां कर पाना बेहद मुश्किल है। लेकिन तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि अजय की ये कोशिश उनके लिए कितनी मायने रखती है, और साथ ही किसी चीज को पाने की निरंतर सोच उनको समाज से कुछ अलग भी बना रही है। राजस्थान के धौलपुर से उमेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।